तमिलनाडु का कांचीपुरम किसी जमाने में बड़ा बौद्ध केंद्र था। बुद्धिज्म के बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ से जुड़े थे। बोधि धर्म कांची के थे। वे जैन बुद्धिज्म के संस्थापक थे। बुद्धिस्ट तर्कशास्त्री दिग्नाग कांची के थे। नालंदा विहार के कुलपति धर्मपाल ने भी कांची में शिक्षा प्राप्त की थी। बुद्धघोष ने कांची के विहार में वर्षावास किया था। तमिल के प्राचीन काव्य ग्रंथ मणिमेकलई और शिल्पदिकारम ये भी कांची को बौद्ध केंद्र होने का सबूत देते हैं। 7वीं सदी में युवनसोंग कांचीपुरम आए थे। उन्होंने लिखा कि यहाँ सैकड़ों बुद्ध विहार है, 10,000 बौद्ध भिक्खु हैं, अशोक के बनवाए कुछ स्तूप है जिसमें 100 फीट ऊंचा स्तूप भी है। बिहार के कुरकेहार की खुदाई में जो बुद्ध मूर्तियां मिली है उन पर अभिलेख हैं। अभिलेख बताते हैं कि अनेक बुद्ध मूर्तियां कांची के लोगों ने दान किया। मूर्तियां पालकालीन हैं। 13वीं सदी के यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने कांची के निकट महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा यानी कि चैत्य देखे थे। 14वीं सदी में जावा के कवि ने भी कांची में 13 बौद्ध मठ होने का जिक्र किया है। 14वीं सदी के एक कोरियाई अभिलेख में लिखा गया है कि 1370 में एक बुद्धिस्ट ध्यानभद्र कांची से कोरिया गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक महायान बौद्ध मठ स्थापित किया। अभिलेख में ये भी कहा गया है कि उन्होंने धम्मसुत्त की शिक्षा कांची में प्राप्त की थी। आज कांची बौद्ध केंद्र नहीं रहा, मगर बुद्ध मूर्तियां, स्तंभ, प्रतीक आदि कांची में मिलते हैं। ये तस्वीरें कांची की है। ये आलेख हमने प्रख्यात इतिहासकार और संशोधक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के फेसबुक वॉल से साभार प्राप्त किया है।